पेरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दुनित। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास फर्स्ट की इंग्लिश वर्कशीट। ये वर्कशीट क्लिक एंड सॉल्व वर्कशीट भी है, तो इससे आपको बच्चों की प्रैक्टिस लेने में जरूर हेल्प होगी। चलिए तो वीडियो शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड ईच सेंटेंस, पुट अ टिक मार्क इफ इट इज यूजेस एम, इज, आर करेक्टली। इफ इट इज नॉट, देन रीड आउट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड। तो इस क्वेश्चन से बच्चों की एम, इज, आर की प्रैक्टिस लेनी है और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। आई आर गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे बच्चों को ये सेंटेंस रीड करना है और इस सेंटेंस में क्या रॉन्ग है फाइंड आउट करना है, बल्कि उसे करेक्ट करके सेंटेंस दोबारा लिखना है। सो आई आर गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे आर ये रॉन्ग है, तो आर की जगह क्या आएगा, तो एम। देन आंसर विल बी आई एम गोइंग टू मार्केट। वी आर प्लेइंग विथ टॉयज, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो गए। देन नेक्स्ट है, दे इज गोइंग फॉर अ पिकनिक टूडे, सो दे इज नहीं आएगा, प्यूरल है, सो यहाँ पे आएगा आर, दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक टूडे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एम टॉलर देन मी, सो यू आर टॉलर देन मी। इट इज़ माई ब्रदर्स नोटबुक, सो सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है, कोई चेंजेस नहीं हो गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ट है वो है आर्टिकल्स पे ए और एन, तो यहाँ पे बच्चों को सेंटेंस रीड करना है और वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ए आएगा या फिर एन, ये दो आर्टिकल्स में से करेक्ट आर्टिकल सिलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट वन, आई लाइक टू प्ले विथ अ बॉल और एन बॉल, तो यहाँ पे करेक्ट होगा अ, तो करेक्ट आर्टिकल को बच्चों को करना है सर्कल। आई फाउंड अ और एन एप्पल ऑन द फ्लोर, सो एप्पल वॉवल से स्टार्ट होता है, इसके लिए हम यूज करेंगे एन, सो आई फाउंड एन एप्पल ऑन द फ्लोर। आई वॉन्ट टू बाय अ और एन पेंसिल, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं ए, सो आई वॉन्ट टू बाय अ पेंसिल। प्लीज गेट मी अ टी और एन टी, सो आंसर इज अ टी। सो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा, साथ ही ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द कैपिटल लेटर्स करेक्टली एंड प्लेसिंग द एट द करेक्ट प्लेस। फर्स्ट है, दिस इज माई नोटबुक, अब बच्चों को इस सेंटेंस में कौन कौन से ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो फाइंड करने हैं। जैसे फर्स्ट वन है दिस, तो दिस का टी स्मॉल लेटर है जो कि रॉन्ग है। देन नेक्स्ट, इज के बाद फुल स्टॉप है एंड देन एम कैपिटल है, तो इसे करेक्टली हम इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज माई नोटबुक। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द इमेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट प्रेपोजिशन इन, ऑन और अंडर, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डे टू डे लाइफ में, कम्युनिकेशंस में प्रेपोजिशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को ये दी हुई पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लावर्स आर डैश द वास, सो यहाँ पे आएगा प्रेपोजिशन इन। देन नेक्स्ट, द कैट इज अंडर द टेबल, द डॉग इज ऑन द चेयर, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस बच्चों को सॉल्व करने हैं। सो आई होप इस वर्कशीट से आपको बच्चों की प्रैक्टिस लेने में ज़रूर हेल्प होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।